अयोध्या में 1990 कार सेवा के दौरान हुए गोलीकांड में शहीद कार सेवकों की याद में आज संत समाज के लोगों ने श्रद्धांजलि सभा कर पुष्पमाला चढ़ाकर शहीदों को नमन किया। संत समाज के लोगों ने दिगंबर अखाड़ा में बने शहीद स्मारक पर माल्यार्पण करके पुष्प अर्पित किया, 2 मिनट का मौन धारण कर कार सेवकों को श्रद्धांजलि दी। वहीं अयोध्या गोलीकांड में मारे गए कार सेवकों के परिवारों ने भी अपने परिजन सहित कार सेवकों को श्रद्धांजलि दी, उनकी तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। शहीद कार सेवक रमेश चंद्र पांडे के निवास स्थान पर अयोध्या के महापौर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। अयोध्या मेयर ने कहा कि शहीद कार सेवकों के सच्ची श्रद्धांजलि का वक्त आ गया है। अयोध्या संत समाज के लोगों का भी यही कहना है कि कार सेवकों की सच्ची श्रद्धांजलि तभी मानी जाएगी जब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन जाएगा। राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे महंत रामचंद्र दास परमहंस के शिष्य सुरेश दास ने संतों के साथ कार सेवकों को दिगंबर अखाड़ा पर श्रद्धांजलि दी। संत समाज का कहना है कि जब तक अयोध्या रहेगा तब तक राम जन्मभूमि रहेगी, तब तक कार सेवकों को सच्ची श्रद्धांजलि दी जाती रहेगी। 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव सरकार ने कार सेवा के लिए आए राम भक्त कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी। उन्हीं कार सेवकों की याद में प्रतिवर्ष 2 नवंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है। जिनके बलिदान से पूरा विश्व गूंज उठा था और जो उनकी इच्छा थी, अब सच्ची श्रद्धांजलि का भी उनके समय आ गया है। हम सब पूरे अयोध्यावासी, दिगंबर अखाड़ा के पूज्य महान श्री सुरेश दास जी, अनेक साधु संत, सब लोगों की इच्छा है और जो शहीद कार सेवकों को इच्छा थी वो जल्द ही पूर्ण होने वाली है, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। क्या कहना चाहते हैं शहीदों के? सच्ची श्रद्धांजलि तभी मानी जाएगी जब राम जन्मभूमि मंदिर बन जाएगा, और राम जन्मभूमि मंदिर बनने जा रहा है और उनको सच्ची श्रद्धांजलि माना जाएगा। और हर साल जैसे सच्ची श्रद्धांजलि दी जाती है वैसे इस वर्ष भी उनको दिया जा रहा है, और जब तक अयोध्या रहेगा, राम जन्मभूमि रहेगा, शहीदों को सदा श्रद्धांजलि देते रहेंगे। जय।